हेलो नमस्कार सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, एटीएम हेल्पलाइन सेंटर से एटीएम मंदिर कोजी शर्मा जी बात कर रहे हैं। सर जी बोलिए। जी सर, ब्रांच से जो कार्ड आपको दिया गया था ना सर, इतना एटीएम कार्ड है। कौन सा? स्टेट बैंक की तरफ से सर, एसबीआई का। सर मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट ही नहीं है। ओके सर, वही जानकारी के लिए मैंने कॉल किया था। ओके ओके सर, सुनिए ना। थैंक यू। हेलो सर, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? जी मैं भोपाल मेन बैंक से कॉल कर रहा हूँ सर आपका। भोपाल से बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, मेरा अकाउंट है, बोलिए आप। जी सर, मेरा अकाउंट है, बोलिए आप। उसको सर इसीलिए सर मैंने कॉल किया हूँ, आपका जो कार्ड है ना सर। जी हाँ, कार्ड घूमने के। जी सर, 2 मिनट के लिए कार्ड को अपना हाथ में उसको रजिस्टर किया जाएगा सर। रजिस्टर वेरीफाई करने के बाद मोबाइल पे आपको ब्रांच की तरफ से मैसेज मिलेगा और मैसेज मिलने के बाद सर दोबारा कार्ड आपका एक्टिवेट किया जाएगा सर। ओके ओके, क्या 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 प्रोसेस रहेगी सर उसकी? देखना पड़ेगी, शायद मेरे पास कार्ड वॉलेट में रखा हुआ है, 2 सेकंड निकालता हूँ। यस सर, हाँ है, लिखी हुई है। सर क्या डेट लिखी हुई? सर 2019 लिखा हुआ है और कितने 6 महीने लिखे हुए, 2019 6 महीना, छठा महीना, 690 लिखा हुआ है, 0919 लिखा हुआ है। रजिस्टर नंबर क्या लिखा हुआ था? 4 भागों में देखो 16 अंक का नंबर लिखा हुआ रजिस्टर नंबर। हाँ बताइए। कार्ड के सामने में देखो सर जो डेट बताया ना सर, 0619 बताया ना सर। हाँ आगे उसके ऊपर में देखो सर, उसके ऊपर में देखो 4 भागों में देखो 16 डिग्री का नंबर लिखा हुआ सर, रजिस्टर नंबर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, क्या नंबर लिखा हुआ चेक कीजिए। आप बताइए ना, मैं चेक करता हूँ, बताइए आप। सर उस नंबर को सर मैच्योर करना है आपका, देखो वो वीजा कार्ड लिखा हुआ की मास्टर कार्ड है? सर मास्टर कार्ड है, बताइए। जी सर, वहाँ पे देखो 519619 नंबर लिखा हुआ है सर। ओके आगे। अब उसके नंबर के बाद में सर आपको मैच्योर करना है ना सर। हाँ तो बताइए ना, आप मैं करता हूँ ना। हाँ तो मैच्योर आपकी जगह मैं कराऊंगा सर आपका। नहीं आप मुझे बताइए, मैं इधर कंफर्म करता हूँ। कंफर्म नहीं करना है आपको, मैं सर आपको वहाँ पे आप बताइए नंबर को, मैं एक्टिवेट करता हूँ और आप लाइन से रहना सर, 2 मिनट के अंदर मैसेज मिलेगा, चेक कर लीजिएगा सर आप। ओके देन सर, मुझे आप चेक करिए ना, मैं करता हूँ ना, मैं यहाँ से करता हूँ, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, कुशल नाम है मेरा। कंप्यूटर पे मैं चेक कर रहा हूँ सर, इसलिए मैंने आपको कॉल किया हूँ। इंदौर से बात कर रहा हूँ, कुशल नाम है मेरा, आप चेक करिए, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, आप चेक करिए, आप मुझे बताइए क्या नंबर है, मैं इधर चेक कर लेता हूँ। आपको कंफर्म ही करना है ना, आपके पास तो मेरी कार्ड डिटेल्स होनी चाहिए। जी सर, आपके पास तो मेरी कार्ड डिटेल्स होनी चाहिए ना, बिकॉज यू आर फ्रॉम बैंक। ओके, यू आर फ्रॉम SBI बैंक ना? हाँ जी सर, SBI में कार्ड डिटेल नहीं लगते सर, क्योंकि सर क्या बोल रहे हैं आप SBI बैंक से हैं और आपके पास कार्ड डिटेल्स नहीं है मेरी? नहीं सर, कस्टमर को डिटेल सर, कस्टमर को आप डिटेल्स नहीं दे रहे, कस्टमर से आप डिटेल मांग सकते हैं। जी जी, उसको मैच्योर करना पड़ता है सर। मैं अगर ब्रांच में आके मैनेजर से बात कर लूँ तो चल जाएगा? हाँ सर, इसके लिए तो फाइन चार्ज कटेगा सर, आपकी डेट पे 1725 रुपए। किस बात का कटेगा? वो GST लागू करने के कारण सर, जो एक्टिवेट नहीं किया जाएगा सर, इसी कारण से आपको कटेगा सर आपका। तो सर एक काम करिए ना आप, मेरा यहीं से आप मुझे चेक करके बता दीजिए, मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेना आप GST। तो क्या नंबर सर चेक कीजिए, 16 अंक का जो नंबर लिखा हुआ। हाँ बताइए ना, बताइए, बिल्कुल बोलिए 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 बोलिए, लिखा हुआ बोलिए आप। क्या लिखा? आप बोलिए, हमको कंफर्म करना है। मैं काहे के लिए बोलूं सर, आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं क्यों बोलूं? हाँ सर, फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए, फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए। क्यों सर? सर एक बात सुनिए ना आपको। हेलो, क्या बोल रहे सर? थोड़ा सर मैच्योर नहीं करना है सर। सर एक थोड़ी सी बात बोलूं सर, 2 रोटी ईमानदारी की खा लीजिए प्लीज, क्यों दूसरों को उल्लू बनाते हैं आप, प्लीज सर। क्या करेंगे सर, 2 रोटी खाने के लिए? सर रिक्वेस्ट सर, एक्चुअली बहुत लोग मेहनत से कमाते हैं पैसा, दिन भर मेहनत करते हैं और आप 2 मिनट में क्या सब लेके उसके पैसे उड़ा देते सर, अच्छी अच्छी बात है क्या सर? ये मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ सर, कुशल नाम है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर। सर क्या कीजिएगा बोलिए, काम इतना पढ़े लिखे हैं सर, आप इतना पढ़े लिखे हैं सर, आप मेरी एक बात बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कार्ड हैक कर ले रहे हैं, आप इतने से बात कर रहे हैं, देन सर व्हाई डोंट यू ट्राई योर ऑन बिजनेस सर, आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छा वाला, मतलब आपको पता है सर मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मुझे पता है मेरे अकाउंट में 27-40 हजार जितने भी है, मैंने पता है मुझे मैंने कैसे रख के रखे मेरे अकाउंट में, अगर मैं आपको अभी कार्ड डिटेल बैंक अकाउंट की दे देता तो मेरे आप पूरे पैसे ले लेते और मेरे करीबन 2 साल की पेमेंट आपके पास आ जाती सर, तो दैट्स नॉट राइट आई थिंक सो।
आप प्लीज सर थोड़ा नहीं सोचिए सर, सर, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं है आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मेरा ना, लेकिन सर मैं हम लोग बिहार से बात करते ना, तुम टोकोर में चेक करना तो शेकुल में बिहार का बात हम लोग हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, बट सर रियली आप खुद सोचिए सर, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आप मेहनत से कमाई कर रहे हैं और आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए तो ये सही रहेगा क्या, बताइए। देखो ये बात है कि एक जगह पे आदमी आप हम आपको बोल दिए कि आपको नहीं करना, ठीक है जी सर, तो दूसरे को भी सर वो भलाई तो दूसरे भी कस्टमर को सर किया जाता है ना, आदमी बेवकूफी के हिसाब से होता है ना सर, बेवकूफी सर उल्लू बनाने का काम है सर, उल्लू बनाने का सर, लेकिन काम है सर उल्लू बनाना और ये फ्रॉड करना एक बात अलग होती है ना सर, आप तो सीधे पूरा पैसा ले ले रहे हैं उसका बेचारे बंदे का, तो क्या करेंगे बेवकूफी, जैसे आप बोले कि जा रहे हैं ब्रांच तो अच्छी बात है, आप ब्रांच हमको कोई डिटेल नहीं बताए आपने, आज यदि वही डिटेल आप बता देते हैं आप पैसा गायब हो जाते हैं उसके बाद आप ब्रांच जाते हैं, तो बेवकूफी किसका आता, मेरा क्या होता है? अच्छा जैसे आप कितना कमा लेते हैं इसमें? कोई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड दैट मीन्स वही 50-60 हजार महीना पर डे रियली? अभी जैसे आपका जैसे अकाउंट में 40 था ना, तो 40 क्लियर हो जाता, क्लियर हो जाता अगर मैं आपको डिटेल बता देता तो। हाँ डिटेल बताने के बाद क्लियर कर देता है आपका। ओके, और पुलिस तो आपको पकड़ नहीं सकती, आपने तो जैमर्स वैमर्स लगा के रखे होंगे। हाँ सब चीज हम लोग का सब चीज गलत है, सब चीज कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चीज अपना कोई भी नहीं रहते हैं, ठीक है, जगह दिन बात भी करते हैं मोबाइल से तो 2-3 दिन मोबाइल पे बात करते बाद मोबाइल सिम को डायरेक्ट फेंक देते हैं, जला देते हैं। बिल्कुल सर, नया सिम नया मोबाइल लेके आते हैं सर, इतना दिमाग लगाते हैं आप, तो थोड़ा सा सही काम में लगा लीजिए ना सर, आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन आप थोड़ा सही काम में लगा लीजिए ना, टैलेंटेड वाला कोई चीज नहीं है अभी, आपको टैलेंटेड वाला कोई चीज नहीं है, आप भी कर सकते हैं। नहीं सर ये गलत बात है ना सर, लेकिन आप बताइए ना गलत बात है, गलत बात तो क्या करेंगे, गलत का जमाना है अभी, कॉलेज भी है ना, सब जी नहीं है, ठीक है सर जी, आप अपना देखिए, बिल्कुल आप अभी अपना देखिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी आप बोलेगा अगर राम भगवान को ना आएगा नहीं आएगा, अभी माता को तुम दारू वाला पीने वाला रंडी बाजी लेके आओ तुरंत आ जाएगा, होता की नहीं? सही है, चलिए ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से देखिए, मेरा बस काम था कि आपको बोल दूं, मुझे पता था कि आप क्या है, आपका फोन नंबर देख के मैं समझ गया था, लेकिन तब भी बात करने का मन हुआ यार बंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने बस थोड़ा सा आपको कॉल रिटर्न कर दिया था उस समय, मैंने इसलिए नहीं उठाया था, मुझे पता था आपका फेक कॉल है, बिहार से कॉल आया था, मैं समझ गया था फेक है, ठीक है कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं, और पुलिस का बात करते पुलिस तो हर कोई पैसा खाता तो पता ही है। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना देखिए, बस सर किसी की गरीब की मेहनत उड़ाना गलत बात है सर, ये मैं रखता हूँ फोन, गरीब को किसी को पूछ लेते हैं कि कोई गरीब रहता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है सर प्लीज सर, किसी ने 20-25 हजार रुपए हो ना सर, एक रिक्वेस्ट कर गया, किसी 20-25 हजार रुपए और महीने का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो उसके पैसे में सब मत उड़ाया करिए, क्योंकि बेचारा कैसे कमाता सबको पता है, ठीक है सर, चलिए सर थैंक यू, रखता हूँ, बाय।